सीकर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ से जुड़ा हुआ मामला। बदमाश सुरेश मीणा की पुलिस से मुठभेड़ में गोली लगने से मौत हुई है। सुरेश मीणा का शव लेकर पुलिस पैतृक गांव पहुंची। शव देखकर गांव में इस समय सन्नाटा पसरा है। तो सीकर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश सुरेश मीणा की गोली लगने से मौत हो गई। फिलहाल पुलिस शव को लेकर पैतृक गांव सावलपुरा पहुंची। सुरेश मीणा का गांव है जहां पर इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है। तो सीकर से समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सुरेश मीणा का शव लेकर पुलिस पैतृक गांव पहुंची है। शव देखकर गांव में इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है। सीकर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ से जुड़ा हुआ यह मामला है। बदमाश सुरेश मीणा की पुलिस से मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से मौत हुई थी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सतवीर सिंह। सतवीर, शव लेकर पहुंची है सुरेश का पुलिस, और अब जो तस्वीरें हम देख रहे हैं गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल अब तक क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की रही है और वहां पर किस तरीके का माहौल है? जी देखिए, जिस तरीके से जो पूरा मामला है सामने आया, पुलिस के जो सर्च अभियान है वो लगातार अभी भी जारी है। डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो भी बीकानेर, जयपुर और सीकर से बुलाई गई है, और लगातार जो जितने भी जो भीड़ है, जो खेत है, वहां पर पूरी तरह जो जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है। बदमाशों को ढूंढने का जो प्रयास है वो यहां पर किया जा रहा है। फिलहाल जो देर रात तीन जो बदमाश है वो पुलिस के हत्थे यहाँ पर चढ़ गए थे, और बाकी जो बदमाशों की है धरपकड़ जारी है। फिलहाल जो पूरा घटनाक्रम है उस पर जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं, और लगातार जो मॉनिटरिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। पुलिस दावा कर रही है कि जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि जो ये गैंग के जो सदस्यों ने जो वारदात को अंजाम दिया था वो सभी जो शातिर बदमाश हैं, और इनके कई थानों के अंदर जो मामले हैं वो भी यहाँ पर दर्ज हैं। फिलहाल जांच पड़ताल करने के बाद में और भी जो खुलासे हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, फिलहाल जो खबरें आ रही है सुरेश मीणा का शव लेकर पुलिस पैतृक गांव पहुंची है, तो वहां पर क्या कुछ रिएक्शन है ग्रामीणों का? जी देखिए, अभी जिस तरीके से जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, मुठभेड़ में जो सुरेश मीणा है वो यहाँ पर मारा गया था, उसके बाद में उनका पोस्टमार्टम करवा के जो शव है परिजनों को यहाँ पर सुपुर्द कर दिया गया है। फिलहाल जो गांव में उनका जो शव है वो पहुंच गया है, लेकिन पूरा जो पुलिस के जो जाप्ता है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात है, और माना जा सकता है कि जो घटना है अभी तक इस बारे में कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे जब अपराधी को सामने आएंगे तो उसके बाद में पता चल पाएगा कि और भी जो साथी इनके साथ में कौन कौन और बदमाश साथ है। तो इसमें सतवीर, अभी इस पूरे मामले के अंदर चार आरोपी और बता रही थी पुलिस जो कि फरार चल रहे हैं, उनके बारे में कोई सूचना मिल पाई है अभी? जी देखिए, लोकेशन पे लगातार जो जो लोकेशन मिल रही है उसके जो ट्रेस है वो पुलिस यहाँ पर चकती हुई नजर आ रही है, और जिस तरीके से पुलिस का कहना है कि जो दायरा है वो दायरा एक सीमित तरीके से बनाया गया है, तो ऐसे में माना जा सकता है कि जो बदमाश है वो कहीं आसपास में ही या तो छुपे हुए हैं या भागने की जो फिराक है उसमें लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस की जो टीमें हैं लगातार सभी इलाके के अंदर जो नाकेबंदी है वो यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सतवीर।